सहारा समूह के मुखिया सुब्रत रॉय को नहीं मिली राहत, सुप्रीम कोर्ट ने हिरासत में भेजा। सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत रॉय के साथ सहारा के दो निदेशकों को भी हिरासत में रखने का दिया आदेश। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट सख्त, निवेशकों का पैसा लौटाने के मामले में सहारा के तर्कों से संतुष्ट नहीं। सुब्रत रॉय ने कोर्ट से कहा, हम 22,000 करोड़ की बैंक गारंटी देने को तैयार, संपत्ति बेचने की भी कही बात। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पैसे वापस करने का ठोस तरीका बताए सहारा। सुब्रत रॉय ने सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त मांगी माफी, अदालत में पेश नहीं होने पर दी सफाई। सुब्रत रॉय ने सर्वोच्च अदालत से कहा, सहारा अपनी संपत्ति बेचकर निवेशकों का लौटाएगी पैसा। सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत रॉय को लगाई फटकार, कहा, अदालत आपके तर्क में दिलचस्पी नहीं रखती। सुब्रत रॉय की दलील से सुप्रीम कोर्ट सहमत नहीं, कहा, हम 2 साल से ऐसी बातें सुनते आ रहे हैं। पेशी के दौरान कोर्ट ने कड़े शब्दों में कहा, आप यही बात कई मौकों पर बोल चुके हैं। सहारा समूह के मुखिया सुब्रत रॉय पर सुप्रीम कोर्ट में फेंकी गई स्याही, पेशी के दौरान एक शख्स ने चेहरे पर फेंकी कालिख। आरोपी शख्स की भीड़ ने भी की पिटाई, उसके कपड़े भी फाड़े, पुलिस ने लिया हिरासत में। सुब्रत रॉय पर स्याही फेंकने वाला शख्स ग्वालियर का रहने वाला मनोज खुद को बताया वकील। वो चोर है, जनता का चोर है। आपका कुछ क्या इसमें नुकसान हुआ है? वो गरीबों का चोर है, मैं चोरों से क्या। सुब्रत रॉय पर स्याही फेंकने की घटना के बाद सुप्रीम कोर्ट में अफरा तफरी, पुलिस कर रही है आरोपी से पूछताछ। बिहार में कांग्रेस आरजेडी गठबंधन पर अब भी फंसा पेच, लालू कांग्रेस को 11 और एनसीपी को 1 सीट देने को तैयार। आरजेडी मुखिया लालू यादव का बयान, हमें कांग्रेस जवाब का अब भी इंतजार। लालू ने मीडिया में चल रही खबरों का किया खंडन, कहा, अभी कांग्रेस के साथ कोई समझौता नहीं हुआ। बिल्कुल भ्रामक है, मिस्चेवियस है और बीजेपी समर्थित ये टीवी के लोग इस तरह की अफवाह फैला रहे हैं। बातचीत, लालू ने ये भी कहा, जरूरत पड़ने पर कांग्रेस को एक और सीट देने पर कर सकते हैं विचार। मुलायम ने सार्वजनिक तौर पर अखिलेश को लगाई फटकार, कहा, चापलूस चला रहे हैं सरकार, सावधान रहे मुख्यमंत्री। मुलायम ने कहा, अखिलेश चापलूसों की पहचान कर उनसे दूर रहने की करे कोशिश। तो अपने के विवाद को टीवी से चलाइए और चापलूसी में मत मानिए। चापलूसी पसंद लोग हमेशा रोता खाते हैं। मुलायम ने कहा, अखिलेश जनता के बीच जाकर अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाएं। सरकार के बारे में सुनिए मुख्यमंत्री, आपके महत्व नहीं करता, पिछली सरकार में मैं अपना उत्तर देता हूं, उसी वजह से मिली नहीं लगी। तो सर क्या अधिकारी गए थे, बताए क्या नहीं है सर? बीजेपी ने मुलायम सिंह यादव पर साधा निशाना, कहा, मुलायम की कथनी और करनी में फर्क। बीजेपी नेता विजय बहादुर पाठक का बयान, मुलायम पहले भी दे चुके हैं ऐसा बयान, लेकिन अब तक नहीं की कार्रवाई। अगर आपकी सरकार उनमें सरकार के विकास के कसीदे नहीं पढ़ते, मुलायम सिंह यादव आज ये कह रहे हैं कि मंत्री कितना काम कर रहे हैं हम जानते हैं, मंत्री काम ही नहीं कर रहे हैं। तो कांग्रेस ने भी मुलायम पर किया वार, अखिलेश प्रताप सिंह ने कहा, मुलायम क्यों नहीं करते कार्रवाई? कह करके जनता को गुमराह करने का प्रयास क्यों करते हैं? किसके भरोसे छोड़ रखा है फिर? जब स्वयं वे मानते हैं कि सरकार ठीक काम नहीं कर रही है तो एक्शन क्यों नहीं लेते हैं? राज ठाकरे से गडकरी की अपील पर बौखलाए शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे, कहा, बीजेपी में है कम्युनिकेशन गैप। राज गडकरी की मुलाकात से शिवसेना बेहद खफा, संजय राउत बोले, एनडीए को राज ठाकरे की जरूरत नहीं। बीजेपी के बड़े नेता इस प्रकार से शरद पवार जी और नितिन राज ठाकरे जी से बात करेंगे खुलेआम और उनका समर्थन करेंगे तो उसपे हमारा ग्रैंड अलायंस है उसमें असर हो सकता है। शिवसेना ने खुलेआम जाहिर की नाराजगी, संजय राउत ने कहा, बीजेपी को महाराष्ट्र में किसी को भी प्रस्ताव देने का अधिकार नहीं।
नितिन गडकरी और राज ठाकरे की मुलाकात के बाद उद्धव ने महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष को किया था तलब, मातोश्री बुलाकर जताई नाराजगी। एमएनएस के मुखिया राज ठाकरे से मिले थे बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी, की थी लोकसभा चुनाव न लड़ने की गुजारिश। उम्मीदवारों का समर्थन करे ऐसा होता है। राज ठाकरे से मुलाकात के बाद बोले गडकरी, हम नहीं चाहते वोटों का हो बंटवारा, हमने की है राज्य वोट ना काटने की गुजारिश। शिवसेना और भाजपा के जो स्टेट के लीडर है उनकी अनुमति बिना कुछ मिले भी नहीं होगा, और कम से कम कांग्रेस को सपोर्ट मिले और वोटों के डिवीजन में कांग्रेस का और एनसीपी का फायदा हो ऐसा ना हो, इससे बनने तक जितनी कोशिश करनी चाहिए उतनी करनी चाहिए। शिवसेना और बीजेपी में घमासान पर कांग्रेस की चुटकी, खास दुश्मन की तरह लड़ रही हैं दोनों सहयोगी पार्टियां। राज और गडकरी मुलाकात पर समाजवादी पार्टी ने भी ली चुटकी, कहा नफरत फैलाने वालों के बीच गठबंधन से क्या फर्क पड़ता है। यूपी में डॉक्टरों की हड़ताल पर सियासत, लखनऊ में सीएम आवास का घेराव कर रहे बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज। लखनऊ में अखिलेश के घर की ओर बढ़ रहे थे बीजेपी युवा मोर्चा के सैकड़ों कार्यकर्ता, रास्ते में पुलिस से हुई झड़प। डॉक्टर्स के समर्थन में सड़कों पर उतरे बीजेपी के कार्यकर्ता, डॉक्टरों के साथ मारपीट की घटना का जमकर किया विरोध। दिल्ली में सफदरजंग अस्पताल के बाहर भी डॉक्टर्स का हंगामा, एसपी विधायक इरफान सोलंकी की गिरफ्तारी की मांग। विरोध प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर्स ने कहा कि जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलता हमारा आंदोलन जारी रहेगा। यूपी के कई शहरों में डॉक्टर्स की हड़ताल से मरीज बेहाल, अब तक 13 मरीजों की मौत, सूबे की सरकार समाजवादी सरकार के खिलाफ नाराजगी। कानपुर से निकली विरोध की आवाज को पूरे राज्य में समर्थन, लखनऊ में भी जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल। आगरा मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स ने किया विरोध प्रदर्शन, आरोपी विधायक को हटाने की मांग। वाराणसी के बीएचक्यू में रेजिडेंट डॉक्टरों ने ठप किया काम, बदसलूकी के खिलाफ कानपुर के डॉक्टर्स के साथ। गोरखपुर में भी सुनाई दी डॉक्टर्स के आंदोलन की आवाज, पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। देश भर के डॉक्टर्स ने भी हड़ताल पर जाने की धमकी, आईएमए ने कार्रवाई के लिए सरकार को दिया 48 घंटों का अल्टीमेटम। अपने ही जाल में फंसा कानपुर प्रशासन, जेल में बंद डॉक्टर्स ने बाहर आने से किया इनकार, डॉक्टरों के मुताबिक नहीं मांगी है बेल। कानपुर से बड़ा बवाल, एसपी विधायक इरफान सोलंकी का डॉक्टरों से हुआ था झगड़ा, पुलिस ने की थी डॉक्टर्स की पिटाई। समाजवादी पार्टी ने डॉक्टर्स से की हड़ताल तोड़ने की अपील, नरेश अग्रवाल बोले इस पर नहीं होनी चाहिए सियासत। डॉक्टर्स की हड़ताल को लेकर बीजेपी ने समाजवादी सरकार पर साधा निशाना, कहा जनता को नहीं रहा सरकार पर भरोसा। आज तक के स्टिंग ऑपरेशन का असर, दिल्ली के उपराज्यपाल संबंधित विभागों की बुलाई बैठक, कैमरे पर रिश्वत लेते वैट इंस्पेक्टर सस्पेंड। बिजली कंपनी बीएसईएस ने भी शुरू की जांच, का दोषियों पर होगी कड़ी कार्रवाई, आज तक नहीं किया था करप्शन का खुलासा। दिल्ली में रिश्वत का खेल हुआ बेनकाब, आज तक के ऑपरेशन रंगे हाथ में घूस लेते हुए पकड़े गए कई अधिकारी। दिल्ली जल बोर्ड जारी में भी जारी है घूस का खेल, जल बोर्ड के स्टाफ ने किया खुलासा, घूस के लिए फड़फड़ाते हैं अधिकारी, केजरीवाल के लिए अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल। ट्रांसपोर्ट दफ्तर में लौटे दलाल, आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में हुआ खुलासा, हर काम के दाम है तय। मुजफ्फरपुर में मोदी के बयान पर नीतीश का पलटवार, कहा जो पाखंड करते हैं दूसरों पर आरोप लगाते हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा कुछ लोग आतंकवाद को सांप्रदायिक रंग देना चाहते हैं। कुछ लोग हैं जो आतंकवाद को कॉम्युनल चश्मे से देखते हैं, सांप्रदायिक रंग उसको देना चाहते हैं और सांप्रदायिकता का जहर समाज में घोलना चाहते हैं। विकास के मुद्दे पर नीतीश ने मोदी को दिया जवाब, कहा जो राज्य पहले से विकसित उसका विकास करना कोई बहादुरी नहीं। नीतीश ने बिहार में कांग्रेस के साथ गठबंधन की अकलों को किया खारिज, कहा तालमेल का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। लोकसभा उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल करने के लिए आज कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया भी रहेंगी मौजूद।
पहली बैठक में तय हुए थे 93 उम्मीदवारों के नाम। 2009 में इन सभी सीटों पर कांग्रेस की हुई थी हार। 8 मार्च को बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, यूपी, राजस्थान और एमपी के लिए उम्मीदवारों का होगा ऐलान। जाट समुदाय को आरक्षण दिए जाने के मुद्दे पर विवाद, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों को किया दरकिनार। ओबीसी रिजर्वेशन रक्षा समिति नाम के संगठन ने कहा, कोर्ट से लगाएंगे गुहार, जाट सामाजिक रूप से और शिक्षा में पिछड़े नहीं। बीजेपी नेता कलराज मिश्र ने मोदी को लखनऊ से चुनाव लड़ने का दिया ऑफर, कहा ऐतिहासिक होगी जीत। ये तो पार्टी तय करने वाली है, मोदी साहब जहां भी लड़ेंगे बहुत फायदा होगा और यूपी से लड़ेंगे बहुत अच्छा होगा। मैं तो ऑफर करूंगा कि लखनऊ से आकर लड़े, लेकिन पार्टी तय करेगी क्या करना। केंद्र से मदद नहीं मिलने से मध्यप्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान नाराज, कहा पीएम से मिलने दिल्ली आया था लेकिन नहीं दिया मुलाकात का समय। शिवराज सिंह चौहान का बयान, हमने केंद्र से 300 करोड़ रुपए की थी मांग लेकिन हमें मिले सिर्फ मदद के लिए 34 करोड़। शिवराज ने कहा मध्यप्रदेश में बारिश और ओले से किसानों को भारी नुकसान लेकिन केंद्र नहीं कर रहा मदद। मोदी को पीएम बनाने के लिए बीजेपी युवा मोर्चा ने शुरू की नई मुहिम, नमो कार रैली के जरिए मोदी का प्रचार। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर हर्षवर्धन ने कार रैली को दिखाई हरी झंडी, युवाओं को लुभाने की कोशिश। डॉक्टर हर्षवर्धन ने आम आदमी पार्टी पर बोला हमला, कहा मुफ्त पानी देने के नाम पर जनता के साथ किया धोखा। हर्षवर्धन ने की सोमनाथ भारती के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग, विधानसभा की सदस्यता खत्म करने की भी की मांग। मैं समझता हूं कि ऐसे व्यक्ति की तो खाली एफआईआर ही नहीं, उसकी विधानसभा की सदस्यता भी जल्दी से जल्दी रद्द की जानी चाहिए। बिहार में कांग्रेस के साथ गठबंधन की अटकलों को जेडीयू ने किया खारिज, शरद यादव ने कहा कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने का सवाल ही नहीं। शरद यादव का बयान, हमने बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ 11 पार्टियों का बनाया गठबंधन, अपने मोर्चे को मजबूत बनाएंगे। रामविलास पासवान के मोदी से हाथ मिलाने पर बोले शरद यादव, कहा यह सवाल पासवान से पूछा जाए कि वो मोदी के साथ क्यों मिले। बंगाल से बाहर अपनी पैठ बनाने में जुटी ममता बनर्जी की पार्टी, झारखंड में शिबू सोरेन के छोटे भाई लालू सोरेन टीएमसी में शामिल। निर्दलीय विधायक और झारखंड के पूर्व मंत्री बंधु तिर्की ने बीटीएमसी से मिलाया हाथ, विधायक चंद्रा लिंडा भी ममता की पार्टी में हुए शामिल। दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके में नामी लुटेरा गिरफ्तार, लाजपत नगर में हुई 7.5 करोड़ रुपए की लूट में था शामिल। दिल्ली में चोरी की रकम से इंश्योरेंस पॉलिसी कराने वाला चोर गिरफ्तार, मालिक के 5 लाख रुपए लेकर हो गया था चंपत। पुलिस ने बरामद किए 3,55,000 रुपए, आरोपी यूपी के सुल्तानपुर का रहने वाला। दिल्ली के मंगोलपुरी में महिला पर हुआ केरोसिन तेल से हमला, महिला 33% झुलसी। आरोपी पीड़ित लड़की का मामा, पुलिस ने किया गिरफ्तार। दिल्ली के प्रीत विहार में कानून पुलिस की दरिंदगी, गैर कानूनी पार्किंग की शिकायत करने गए शख्स से हुई मारपीट। आर्ट ऑफ लिविंग के टीचर है प्रणव, जबरन उगाही की दर्ज कराई थी शिकायत। दिल्ली के मंगोलपुरी में ऑटो वालों की दिलेरी, महिला से पर्स छीनकर भाग रहे बदमाश को धर दबोचा। यूपी के हापुड़ में पिलकुआ के पास ट्रक ने बाइक सवार को मारी टक्कर, एक की मौत, पत्नी और बच्चे घायल। हादसे पर ग्रामीणों ने लगाया जाम, पैसे लेकर ट्रक चालक को छोड़ने का आरोप, लाठी चार्ज के बाद पुलिस ने खुलवाया जाम। लखनऊ में गेस्ट हाउस में जश्न के दौरान फायरिंग, गोली लगने से एक बच्चे की मौत। एडीओ पंचायत के बेटे का मनाया जा रहा था जन्मदिन, समाजवादी पार्टी के नेता का था गेस्ट हाउस। केक काटने से पहले होने लगी फायरिंग, 11 साल के निखिल को लग गई गोली। यूपी के फैजाबाद के अस्पताल में मानवता का मजाक, नवजात के शव को छोड़ा लावारिस। अस्पताल के बाहर शव नोचने में लगे थे कुत्ते, टुकड़ों को देख लोगों ने पुलिस को दी खबर।